दोस्तों, आज का हमारा विषय है हवन। जी, हवन शब्द से हम सभी परिचित हैं। हमारे घरों में या आसपास में ये एक सामान्य क्रिया है जो होती रहती है, लेकिन ये कितनी वास्तविक है, कितनी इसमें झूठ है, क्या इसकी सच्चाई है, इसको हम देखेंगे मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी और प्राचीन इतिहास के हिसाब से भी। दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले एक रिसर्च पेश करना चाहूँगा जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा दी गई है, जिसका हेडक्वार्टर है US में। दोस्तों, इन्होंने एक रिसर्च की है जिसका आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, उसके लिंक को आप क्लिक करके और वहां से पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने मिर्गी के ऊपर एक रिसर्च की थी हवन को लेकर के, और ये लिखते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि वैद्य मानसिक रोगों के लिए हवन करने को कहते थे। हवन एक साइंटिफिक क्रिया है जिसमें कुछ स्पेशल जड़ी बूटियों को अग्नि में जलाया जाता है। यह सारी क्रिया एक स्पेशल डिजाइंड वस्तु में की जाती है जिसका नाम अग्निकुंड है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवन को प्राचीन स्कॉलर्स ने मानसिक बीमारियों के समाधान के लिए ही डिजाइन किया है। हवन में कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिनसे कुछ विशेष प्रकार के ऑयल्स की उत्पत्ति होती है, जो हाई टेम्परेचर की वजह से नर्वस सिस्टम में जाकर मानसिक बीमारियों को ठीक कर देती है। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं इस बीमारी के बारे में। इसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं, वह उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, व्यक्ति गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं, हाथ पैरों में झटके आने लग जाते हैं। इस बीमारी के सामान्य लक्षण ये कुछ थे। भारत में 10 मिलियन व्यक्तियों को यह बीमारी है। यह बच्चों व जवान को अधिक होती है और 95% मरीजों का इलाज इस बीमारी के रोगी का नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये आर्टिकल मैंने नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का पढ़ा है, आप खुद जा करके उसकी साइट पर देख सकते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि इस बीमारी के लिए हवन को बहुत अच्छा माना गया है। आइए अब थोड़ी और बात कर लेते हैं हवन के बारे में। हवन में जब घी के अणु सूक्ष्म होकर ऊपर चढ़ते हैं तो वायु में डोलने वाले मेघ के मंडल के तल के पास पहुंचकर स्वयं जम जाते हैं और मेघों को भी जमाते हैं और बरसने का काम करते हैं। घी के परमाणुओं के जमने के कारण उनके साथ संपर्क में आने वाले बादलों के वाष्प कण भी ठंडक पाकर पानी में बदल जाते हैं और बरसने लगते हैं। भोपाल में 1984 की गैस त्रासदी विश्व भर में कुख्यात हो गई है। 1985 की आरोग्य पत्रिका के अनुसार दैनिक यज्ञकर्ता अग्निहोत्री परिवार उस मार्क मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस के प्राण संहारक प्रभाव से बच गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यज्ञ में यदि कार्बन डाइऑक्साइड असीमित मात्रा से निकलती तो वहां पर किसी का भी बैठ पाना संभव नहीं होता। किसी थोड़े स्थान पर अधिक संख्या में जनता के इकट्ठे होने पर दम घुटने लगता है, लोग तुरंत वहां से भागने की सोचते हैं, लेकिन यज्ञ में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, बल्कि यज्ञ की सुरभि से जन जन का मन मयूर प्रफुल्लित होकर नाच उठता है। यह सब संभव होता है उस अनुपम उत्तम हवन सामग्री से जिसको आहुतियों के रूप में अर्पित किया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व रसायन विभागाध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश DP ने अपनी प्रयोगशाला में सामग्री का रासायनिक विश्लेषण करते हुए उसमें ऐसे तत्वों को उपस्थित पाया था जिनमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस कीटनाशक तथा पदार्थों को सड़ने से बचाती है। यज्ञ में जल कलश, जल आचमन, जल सिंचन तथा जल के छींटों की व्यवस्था बनाई रखते हैं। वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि हवन से निकली कार्बन जल के साथ मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में परिवर्तित हो जाए। एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है कि जब संसार की दुर्गंध और रोग के कीटाणुओं का नाश सूर्य की किरणें कर देती हैं तो फिर यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है? जो काम मनुष्य के किए बिना हो रहा है उसमें मनुष्य खामखा मत्थापच्ची क्यों करे? इसका उत्तर देते हैं कि जब सूर्य और चंद्र मनुष्य के बिना निकाले ही निकल रहे हैं तो फिर मनुष्य प्रकाश के लिए बिजली, गैस, लालटेन और दीपक से क्यों काम ले रहा है?
सृष्टि में फल वनस्पति मेवे आदि लगाकर उत्पन्न हो रहे हैं, फिर मनुष्य खेती करके अनाज क्यों उत्पन्न कर रहा है? वास्तव में सृष्टि के ये नियम तो मनुष्य को अपने अनुकूल चलाने की प्रेरणा देते हैं ताकि मनुष्यों का कल्याण हो। सृष्टि नियम यह बतलाते हैं कि जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से गंदगी को दूर कर रहा है, वैसे ही गंदगी को तुम भी दूर किया करो। अब एक प्रश्न और उठता है कि अग्नि में जो पदार्थ डाला जाता है वो पदार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ उसका रूप बदलता है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नो दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। फिर एक प्रश्न और उठता है कि जितने घी से हवन किया जाता है उतने घी को किसी को खाने को दिया जाए तो और अधिक लाभ हो, लेकिन जितने घी से एक आदमी का भला होगा उतने घी से अगर हवन किया जाए तो उससे लाखों लोगों का भला होगा, क्योंकि अग्नि में मिला हुआ घी सूक्ष्म होकर लाखों लोगों को अपना लाभ देगा। इसलिए घी खाना तो चाहिए लेकिन हवन भी करना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या प्रत्येक मनुष्य को हवन करना चाहिए? हाँ, प्रत्येक मनुष्य को हवन करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर 24 घंटे शरीर के रोम छिद्रों में से दुर्गंध निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को हवन करना चाहिए। घर में दूषित वायु अगर हो गई है तो उसके लिए सुगंधित पदार्थों को घर में लगा दिया जाए, हवन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका उत्तर देते हैं कि सुगंधित पदार्थों से वहाँ पर खुशबू अवश्य हो जाएगी, लेकिन जो वहाँ पर दूषित वायु है, जो वहाँ पर बैक्टीरिया हैं, वो कभी भी उन पदार्थों से नष्ट नहीं हो सकते। उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ अग्नि में ही है। तो ये कुछ बातें मैंने आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से और अपनी प्राचीन सभ्यता के हिसाब से भी रखी हैं। आप समझ ही गए होंगे और स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि हवन वैज्ञानिक है या ढोंग है। देखिए, हवन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन आज के दिन सिर्फ और सिर्फ पंडित लोग ही इसे करते हैं, और वो भी इसे सिर्फ पैसा कमाने के माध्यम से ही करते हैं। शायद उन्हें इन बातों का पता भी नहीं होता, वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही ये कार्य करते हैं। तो आप लोग भी हवन कीजिए और इस वैज्ञानिक रिसर्च को पढ़िए और योगदान दीजिए अपने वातावरण को शुद्ध करने में। आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी का बटन दबाना मत भूलें ताकि अगली जानकारी अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले।